मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, आज मैं अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। अर्थशास्त्र क्या है और यह किस तरह से देश को प्रभावित करता है, इसके बारे में चर्चा करना है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है, जैसा कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में कहा, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थात अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और धन का विज्ञान किस तरह से है, इसके बारे में बतलाना है। प्रश्न उठता है कि क्या नदी का बालू धन है, इसको किस तरह से व्याख्या की जाएगी। नदी का बालू धन नहीं है, लेकिन नदी का बालू अगर वहाँ से लाकर शहर में रखते हैं तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है और इसे धन कहा जाता है। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ऑर्डरली बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिनेशन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। अर्थात रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र के बारे में कहा कि समाज में जो कल्याण की भावना के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि जिस देश की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होगी, उस देश का विकास उतना ही अच्छा माना जाएगा। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को सही रखना होगा, यही अर्थशास्त्र कहलाता है। धन्यवाद। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।